मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में पेश किए गए सरकार के अंतिम बजट में कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। बजट में मनमाफिक घोषणा नहीं होने से नाराज प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों ने प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर काम किया और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। राजधानी जयपुर के सचिवालय और अन्य सरकारी महकमों में कार्यरत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है पहला। दूसरा, चयनित वेतनमान एसीपी का लाभ 9, 18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16 और 24 व 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के समान हो। ग्रेड पे 2400 और 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पे मैट्रिक्स करीब 25,500 से 81,100, 29,200 से 92,300 निर्धारित की जाए। मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय कर्मचारियों के समान पदोन्नति लाभ दिया जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप संविदा कर्मियों और सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कर्मचारियों के लिए स्पष्ट पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जाए। ग्रामीण भत्ता 10% स्वीकृत किया जाए। 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से 5 वर्ष व 3 वर्ष वंचित किए जा चुके कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति उपरांत मूल वरिष्ठता प्रदान की जाए। अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक जोड़ने की घोषणा की जाए। तो कर्मचारी नेताओं का अब कहना है कि इसके बाद कर्मचारी संगठनों का प्रदेशव्यापी विधानसभा घेराव 2 मार्च को राजधानी जयपुर में होगा, जहां वो प्रदेश भर के कर्मचारी रैली के रूप में विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे।